Channel, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा हेयर जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई और डैमेज हो गया वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी बट मजबूरी क्या कर ही सकते तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर ताकि मैं कुछ अपने हेयर पर ट्रीटमेंट करा पाऊँ मुझे स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग बिल्कुल भी नहीं करवाने वैसे ही मैंने स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग करवा के मेरे हेयर का जो बारह है वो मैं बजा चुकी हूँ तो फिलहाल मैं जा रही हूँ सैलून और जाके मेरे हेयर पर कुछ करवाने वाली हूँ ताकि कुछ हेयर ट्रीटमेंट हो जाए या फिर केरेटीन ट्रीटमेंट बायोटी जो भी हो ये मेरे साथ देखते हैं कि मैं अपनी हेयर पे क्या ट्रीटमेंट करवाऊंगी तो ये है मेरा हेयर का कंडीशन जो बहुत ही ज्यादा ड्राई डैमेज और फ्रिजी लग रहे थे और कर्वी भी हो गया था तो फिर मैं जब पार्लर पे गई तो वहाँ पे मुझे कुछ ट्रीटमेंट बताया गया तो पहले जो प्रोसेस था उसका शुरुआत किया मेरे हेयर को वॉश करते हुए तो इन्होंने बस शैम्पू से मेरे हेयर को अच्छे से वॉश किया और वॉश करके ड्राई किया और ड्राई करने के बाद मेरे जो हेयर है और भी ज़्यादा फ्रिजी लग रहे थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था क्लेंजिंग शैम्पू तो मैंने जब बात किया कि मुझे क्या ट्रीटमेंट करवाने चाहिए तो यहाँ पर मैम बताई कि एक ट्रीटमेंट है नैनोप्लास्टिया जो एक ब्राज़ीलियन केरेटिन ट्रीटमेंट है थर्ड जनरेशन का इससे मेरा जो हेयर था उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा मूद हो जाएंगे और फ्रिज फ्री हो जाएंगे और उसके साथ मेरे मुझे स्ट्रेट लुक भी मिलेगा जो नेचुरल रहेगा तो ये सुन के तो मैं खुश हो गई थी और मैं मैंने इन्हें पूछा भी कि ये केमिकल ज़्यादा हार्श तो नहीं है बालों को ख़राब तो नहीं करेंगे तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बालों को ख़राब नहीं करेंगे आपके बालों स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका अगर हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम है तो वो भी रेड्यूस होगा तो ये सब सुन के मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और मैंने कहा कि हाँ हाँ हा, मैम कर दीजिए जो भी करना है और इसके बाद मेरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ तो पहले इन्होंने किया शैम्पू उसके बाद हेयर को ड्राई किया नाइन्टी और उसके बाद ये अप्लाई करी है क्रीम तो इन्होंने पहले केरेटिन का क्रीम अच्छे से मेरे हेयर स्टैंड पे अप्लाई किया स्कैल्प को छोड़ते हुए और बहुत ही अच्छे से मैम यहाँ पे अप्लाई करी थी मेरे हेयर पे और ये हेयर के ऊपर डिपेंड करता है आपके आपका जितना हेयर का लेंथ है उस वाइज से टाइम लगता है मुझे यहाँ पे लग गए थे अप्रॉक्स फोर एंड हाफ आवर्स लेकिन पहले मैम बताई थी कि तीन घंटे में हो जाएगा लेकिन प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था और क्रीम अप्लाई करने में भी तो यहाँ पर मैम पूरे अच्छे तरीके से मेरे हेयर पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर चुकी थी और उसके बाद इन्होंने मेरे हेयर को रैप करने थे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे रैप नहीं कर रही है यहाँ पे कोई गिफ्ट रैप हो है। पूरी तरीके से मेरा कान आईब्रोज ढक चुके थे तो बाद में मैम ने कंगी से इसको हल्का सा हटा दिया लेकिन कान तब भी मेरे दबे हुए थे जिसको मैंने खुद ही बाद में निकाल लिया था और इसके बाद ऐसे करके मुझे रैप करके ऑलमोस्ट वन आवर से ज्यादा देर तक के लिए रुकवा दिया गया था और बीच में मुझे काफी ज्यादा हेडेक हो रहे थे क्योंकि बहुत ही टाइट से बांधा हुआ था ये वाला जो प्लास्टिक रैप था और इसके बाद क्या किए जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसको हल्का सा इन्होंने वाटर के साथ एमल्सिफाई कर दिया यानी कि यहाँ पे बाल वॉश नहीं हुए बस एक्स्ट्रा क्रीम को हटाया गया तो मैम ये प्रोसेस बहुत अच्छे से कर रही थी और इन्होंने जो एक्स्ट्रा क्रीम था उसे हटाया और उसके बाद मेरे हेयर को ड्राई किए फिर से तो इन्होंने फिर नाइन्टी तक ड्राई किए और उसके बाद अच्छे से ब्लो ड्राई भी किए और फिर मेरे हेयर का एक एक स्ट्रैंड लेके जैसे स्ट्रेटनिंग में होता है वैसे इन्होंने स्ट्रेट किया और जब स्ट्रेट कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा था और मुझे लग रहा था कि यार मेरे बाल तो गए काम से लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तो यहाँ पे भी स्ट्रेट मतलब आपके हेयर को स्ट्रेट किया जाता है और यहाँ पे जो केमिकल यूज़ होते हैं वो काफ़ी हल्के टाइप के क्योंकि इसका स्मेल मुझे ज़्यादा लगा नहीं इसका स्मेल मुझे चॉकलेटी टाइप लग रहा था मैं सच बोल रही हूँ ये आई थिंक फ्लोरा एक्टिव कंपनी का था जिसका स्मेल मुझे चॉकलेट टाइप का लगा और यहाँ पे आपके जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं ये वाले स्टेप करने के बाद तो मैंने इनसे पूछा कि अभी मेरा जो हेयर का कंडीशन है क्या ऐसा ही रहने वाला है तब मैम मुझे बताई कि ये स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग नहीं है तो इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें हार्श केमिकल यूज़ नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है ये नेचुरल स्ट्रेट आपका लुक आएगा और ये ऑलमोस्ट सिक्स मंथ तक आपके हेयर में रहेगा ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं तो आप देख सकते हैं मैं कितना खुश हो रही थी और बाजू में मेरी मम्मी बैठी हुई थी तो मैं मैं उनसे गपशप लड़ा रही थी तो ऐसे करके उन्होंने पूरे हेयर को स्ट्रेट किए और इसके बाद इन्होंने मेरे हेयर को फाइनल वॉश किया तो वॉश करने के लिए पहले इन्होंने यूज़ किया शैम्पू और उसके बाद इन्होंने कोई हेयर मार्क्स अप्लाई किया था और हेयर मार्क्स अप्लाई तो करके पाँच मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद अच्छे से मेरे हेयर को वॉश कर लिए तो हेयर वॉश होने के बाद मेरे हेयर जो है वो काफ़ी स्मूथ शाइनी और स्ट्रेट भी हो चुके थे फिर इन्होंने अच्छे से मेरे हेयर को ड्राई किया और हल्का सा ब्लो ड्राई भी कर दिया था और ये स्ट्रेटनिंग की तरह कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको दो दिन बाद फिर से वॉश करने आना है क्योंकि मुझे ऐसा लगा था तो मैंने पूछ लिया तो ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ दो तीन तक हेयर को ऐसे ही खुला रखें ताकि आपके हेयर जो है वो बेंट ना हो तो मैंने तीन दिन बाद ही वॉश किया था अपने हेयर को और यहाँ से मैंने और कंडीशनर भी किया था फोन का बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुका था तो इसलिए मैं ही तक कर पाई। ये देख सकते, कितना अच्छा हो गया यार, मतलब मुझे तो यार प्यार हो गया। Actually, मुझे बहुत पसंद है बट इसका जो लुक है फाइनल जो लुक है वो बहुत ही नेचुरल वाला स्ट्रेट आया है और मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने हल्का सा हेयर को क्रीम करवा लिया क्योंकि नीचे का जो पोर्शन था तो मेरे बहुत ही ज़्यादा तो स्टेटेंट्स हो गए थे ऐसे तो मुझे बाल काटने पसंद नहीं है लेकिन आपको अगर आपके बाल हेल्दी रखने तो आपको क्रीम करवाने चाहिए तो गाइस आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे टिल देन टेक केयर